जी बेटा, 7वीं क्लास। तुहाडे बहुत मैसेज आ रहे सी कि एक्सरसाइज 2.4 जिहड़ी आ सानू करवाई जावे। सो बेटा, अज आपां ये 2.4 एक्सरसाइज है जिहड़ी अज कंप्लीट कर दांगे, ठीक है? इस वीडियो दे विच तां ध्यान नाल देखो बेटा ते समझो। फर्स्ट क्वेश्चन की है राजे, फाइंड द रेसीप्रोकल। ठीक है, रेसीप्रोकल दा मतलब की हुंदा जी? उल्ट। ठीक है, पंजाबी दे विच की कहांगे इहनू? उल्ट पता करना, उल्ट क्रम ए लिखा होगा तुहाडी बुक दे विच, उल्ट क्रम। हाँ जी, तो उल्ट क्रम की है? तुसी कहोगे तो बहुत सौखे क्वेश्चन ने, जिमें फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी 2/7, 2/7। तो इहदा आंसर आपां इदां लिखांगे, 2/7 दा उल्ट क्रम बराबर है 7/2। आ गई ना एक छोटी जी स्माइल मूँह पे, कि बहुत सौखा सम सी। ये तो सिर्फ बेटा जिमें तुहानू ये दित्ती हुई है अंश बटे हर, तो तुसी इहदा उल्टा लिखन लई इहनू हर बटे अंश कर देना है, मतलब इधरों इधर नू लिख देना है। बस ये थोड़े सारे सवालों के उल्टे तुसी आराम नाल कट लोगे। जिमें सैकेंड है अपने कोल 3/2, तो इसका उल्टा की होगा? 2/3। तो जो तुसी इंग्लिश दे विच लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने, तो इदा लिख लिया करो जी, रेसीप्रोकल ऑफ, ये थर्ड सम है, 5/7 इज 7/5। देखो बहुत सौखा सी ना 7/5। हाँ जी, क्लीयर हो गए ये सारे सम। तो आप जेडे 3 सम रह गए वह भी आराम नाल लिख लेंगे, ठीक है ना? तो सारे नू समझ आ गया, फाइंड द रेसीप्रोकल। तो रेसीप्रोकल किदा करना है? अंश बटे हर न्यूमीरेटर ओवर डिनोमीनेटर, डिनोमीनेटर ओवर न्यूमीरेटर लिख देना। चलो जी, आप हुण चलते हाँ नैक्सट सम ते। हाँ जी, तो नैक्सट सम अपना है बच्चे सैकेंड सम, सॉल्व द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए नॉन जीरो होल नंबर। तो की कहा गया राजी आपू कि जिहड़ी ये डिवीजन है ये करो तुसी सैकेंड नंबर उन्हें की कहा है एक होल नंबर है। तो देखो सम की है, फस्ट 19/6 डिवाइडेड बाय 10। तो ये फ्रैक्शन है, ये होल नंबर है। तो डिवाइड करन दे लई बेटा अपने कोले जेड़ा स्टैप्स याद रखने हैं कि डिवाइड की थान पर आप मल्टीप्लाई लिख देनी है, तो जिहड़ी भी पिछली टर्म होगी उहदा आपां रेसीप्रोकल लै लेना है। हुण 10 सी, तो इहदा मतलब 10 होल नंबर सी, तो उहदे ओवर आपां 1 तां लिख सकते हैं ना। तो जदों इहदा रेसीप्रोकल लवांगे तो की आएगा? 1/10। हुण इस तो बाद फिर देखना आपां, जिवें पिछली एक्सरसाइज दे विच करिया सी कि की इह एक दूसरे नाल कोई अक्खर कट रहे हैं। देखो कोई अक्खर इहदे विच कट रहे है बेटा। हाँ जी, तो आप बेटे हूँ इतने 1/10 लिख लिया। तो हूँ सेम उस तरीके न्यूमीरेटर न्यूमीरेटर ना मल्टीप्लाई करनी है, डिनोमीनेटर डिनोमीनेटर ना मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है? उस तो बाद देखना है भी जे ये इमप्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर इनू आपने मिक्स नंबर दे विच चेंज कर देना, ठीक है? ये हो गया तुहाडा बेटा जी फस्ट सम, ठीक है? सैकेंड तो थर्ड कर दिया। हूँ आप सैकेंड सम की है, 4/9 डिवाइडेड बाय 5। हुण इदा हुंदा क्यों है? हुण ये भी तुहानू दस देवां, डिवाइड का मतलब की हुंदा है? बटे च लिखना किसी रकम नू, ठीक है? आपां बटे च लिखता तो हुण इहदे ओवर, क्योंकि होल नंबर है तो आपां 5/1 भी लिखांगे। तो इस रकम नू आपां बेटा जी इस रकम नाल डिवाइड कर रहे हैं, तो इहदे विच की हुंदा है? मैथेमैटिकली इहदे रकम ने रेसीप्रोकल होकर उपर जाना है, तो उही चीज़ बन जूगी जिहड़ी मैं थानू रूल दस्या सी कि डिवाइड दी मल्टीप्लाई कर लेनी है तो पिछली रकम का रेसीप्रोकल लै लेना। थोनों मैं एक याद करन वाला ढंग भी दसता, तो थोनों मैथेमैटिकली किवें डिवाइड हुंदी है वह भी दसता, ठीक है? तुहाडे दिमाग दे विच हुणे क्लीयर हो जाना चाहिए। हाँ जी, फिर शुरू करते हैं आपां। हुण देखो मल्टीप्लाई दी थां ते डिवाइड कर लिया, पिछली टर्म का आपां रेसीप्रोकल लै लिया। देखो कोई रकम कट रही है? नहीं जी, कोई रकम नहीं कट रही। 4/1 = 4 हो गया, तो 9/5 = 45 हो गया। तो यह बिल्कुल भी इमप्रॉपर नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यही अपना आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन करिए जी थर्ड,
8 ओवर 9 डिवाइड का आपां कर लिया मल्टीप्लाई गुणा की निशानी पा ली पिछली रकम का आपां उल्टा लै लिया। हाँ जी हुण इत्थे अपने कोल 8 कट रहा है 8 दे नाल 8 कट गया बेटे तो अपने कोल न्यूमीरेटर नूं मल्टीप्लाई करांगे 1 ते डिनोमीनेटर नूं मल्टीप्लाई करांगे 9 तो ये अपने कोल आंसर आ जाएगा इहदा 1/9। तो पता लग गया ना तुहानू कि जदों आपां फस्ट स्टैप लगा देना है उस तों बाद आपां देखना है कि कोई अंश किसी हर नाल कटदा तां नहीं जे कटदा है तो उसनू कटा लो उस तों बाद एज इट इज़ जिवें आपां फ्रैक्शनस की मल्टीप्लाई सीखी है तो मल्टीप्लाई कर देनी। ठीक है बेटा चलिए नैक्सट क्वेश्चन पर। हाँ जी ये है अपने को इमप्रॉपर फ्रैक्शन मिक्सड नंबर सॉरी। हाँ जी हुण ये मिक्सड नंबर आप इमप्रॉपर बनावांगे किवें सीख्या होया आपां 3 × 2 = 6 दे विच 1 जोड़िया 7 नाल दी नाल इस डिवाइड का की कर लेना है गुणा पिछली रकम का की लै लेना है रेसीप्रोकल नहीं कुछ कट रहा मल्टीप्लाई कर दो है ना सौखे सौखे सामने आप फटाफट सारे कर देने हैं हुण ये। हाँ जी नैक्सट पर आ जाओ आ वाला सम है अपने कोल रकम नहीं लिख रही देखो थानू क्लीयर हो रही है स्क्रीन पर है ना 16 × 32 दे विच 1 जोड़िया जी 33 डिवाइड की थां ते गुणा करती तो पिछली रकम का आपां रेसीप्रोकल लै लिया कट रहा कुछ नहीं कट रहा है ना चलो जी मल्टीप्लाई कर लैने। हाँ जी हुण ये बन गई अपने कोल इमप्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि इहदा न्यूमीरेटर वड्डा है। ठीक है तो इहनू आपां हुण मिक्सड नंबर दे विच बदलांगे जो कि आंसर आ जाएगा अपने को 3/3/10 क्या URD मैथड याद है ना जे नहीं याद तो पहला पिछली वीडियो देख के इनू समझो फिर इतने आके इनू मिक्स नंबर दे विच चेंज करो। क्लीयर चलिए अगले समते। हाँ जी दिस वन 4 × 3 = 12 12 × 1 = 13 13/3 फिर मल्टीप्लाई का साइन पिछली रकम का रेसीप्रोकल नहीं कट रहा कुछ भी तो 13/9 फिर अपने कोल इमप्रॉपर फ्रैक्शन है अनउचित भिन्न है इनू आपां मिश्रित भिन्न दे विच बदलांगे जदों मिश्रित भिन्न दे विच बदल दांगे अपने कोल आंसर आजूगा 1 = 4/9। तो ये बेटा जी अपने सैकेंड क्वेश्चन दे सारे पार्ट तो हुण अगले क्वेश्चन दे विचों की कह रहे हैं आपां नूं सॉल्व द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। हुण इस सम नालों उल्टा की हो गया इन्हें पहला दिती सी आपां नूं फ्रैक्शन बाचों दिता सी होल नंबर इन्हां ने पहला दिता होल नंबर बाचों दिती है फ्रैक्शन तो इहदे विच भी कोई खास चेंजिज़ नहीं है आपां फटाफट कर लांगे इन्हां नूं। हाँ जी 8/7/3 8 नूं आपां भाग कर रहे हैं 7/3 नाल तां हुण तरीका तां उही रहेगा ना देखो इहदी थां ते गुणा कर लिया पिछली रकम का आपां रेसीप्रोकल लै लिया उल्टा लै लिया चलो जी इहनू गुणा कर लो क्योंकि कट कुछ भी नहीं रहा 8 × 3 = 24/7 बन गया। चलो जी इहनू फिर हुण किहदे विच बदलना आपां। हाँ जी वैरी गुड मिक्सड फ्रैक्शन दे विच बदल दो 7 × 3 = 21 हुंदा 3 बचूगा ओवर 7 आजूगा QRD जिन्ना आंसर आया जो बचिया जिहदे नाल डिवाइड किया। ठीक है इदा आप मिक्सड फ्रैक्शन लिख सकते हैं करिए सैकेंड सम कलर चेंज कर लिए। हाँ जी 5 × हुण इहनू उल्टा कर दो जी 5/7 बन गया है ना तो फिर कट नहीं रहा कुछ भी 25/7 बन गया। चलो जी इहनू हुण आपां मिक्सड नंबर दे विच बदल दिंदे आ 7 × 3 = 21 हुंदा 4 बचदा हुंदा 7 नाल भाग किया सी तो अपना आंसर आ गया नाल दी नाल। हुण की करना थानू समझ आ रहे ना क्वेश्चन तो कापी पेन नाल चक लो बेटा जी मेरे नाल नाल सम करो ताकि तुहाडी होर ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। चलो नैक्सट सम करिए 4 × 3/8 देखो आ वाला सम सी 4 फिर मैंने भाग दी थां ते की करता गुणा पिछली रकम का मैं की लै लिया उल्टा हुण ये तो कट रहे ने ना 4 × 4 = 4 × 2 = 8 तो ये तो कट गए उपर उपर गुणा करांगे 3 बन जूगा नीचे 2 आजूगा पर है यह अनउचित भिन्नी है तो जो इन आप चेंज करांगे ये आजूगा 1 = 1/2। हाँ जी देखो समझ लग गया चलिए अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है अपने को ले, देखो मैं इतने रकम भी लिख दी हाँ अपने को ले, जेडी सेकंड टर्म है वह एक मिक्सड नंबर है तो खोल लें पहला पहला साइन आ ही रखियो ठीक है। पहले इन आप खोलेंगे पांच दूनी दस दस दे विच तीन जोड़े तेरह बटे पांच। हुण सवाल यह पहला वर्गा बन गया, हुण इत्थे गुणा लिखांगे पिछली रकम नूं उल्टा दांगे तो यह घटता नहीं है गुणा कर लांगे। जदों आपां ने यह गुणा कर ली बेटा फिर इहनूं आपां मिक्सड नंबर दे विच चेंज कर लांगे ठीक है। देखो समझ आ गया यह सम थोनू, पांच दूनी इन्हां नूं गुणा करदे हुंदे आ दस फिर ये जोड़ दिने होंगे दस से तीन तेरह तेरह बटे पांच बन गया। ये फिर आपने उल्टा किया पांच बटे तेरह फिर इन्हों गुणा कर लिया ठीक है। चलो अगले सम ते चलिए। हाँ जी तो हूँ लास्ट सम रह गया यदा पांच डिवाइड का साइन है फिर अपने को एक मिक्सड फ्रैक्शन है तो पहला डिवाइड का साइन ही रखा इन खोल लो सत्ती आ इक्की इक्की दे विच चार जोड़े पहला सत्ती आ इक्की देखो इक्की दे विच चार जोड़े पच्ची बटे सत्त। हुण इहदी थां ते आपां मल्टीप्लाई लिख लाँगे तो इसका रेसीप्रोकल लै लाँगे। हाँ जी पांच दे टेबल ते पच्ची कट रहे हैं तो अपने कोले की आंसर बच जाएगा सैवन ओवर फाइव तो सैवन वड्डा तो ये अपने कोले की बन रही है इमप्रॉपर फ्रैक्शन तो इनू बदल लो बेटा जी तो आजूगा अपने को ले एक सही दो बटे पांच ठीक है। ये सू सारे थर्ड के सम समझ आ गए अच्छी तरह नाल। हूँ आप फोर्थ क्वेश्चन करांगे इस तो बाद ठीक है बेटा। हाँ जी तो लैट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर। सॉल्व द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अनादर फ्रैक्शन। तो पहला की सी अपने को ले इधरले पासे फ्रैक्शन सी इधर होल नंबर सी सैकेंड की सी इधर होल नंबर सी इधर फ्रैक्शन सी ठीक है। तो हुण इहदे विच की है फ्रैक्शन दी फ्रैक्शन नाल ही आपां डिवाइड करनी है करिए बेटा आपां हुण इह डिवाइड। देखो टू ओवर थ्री डिवाइडेड बाय टेन ओवर नाइन दो बटे तीन नूं आपां भाग कर रहे हैं दस बटे नौ दे नाल। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੋ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਦਸ ਆਉਂਦਾ ਤਿੰਨ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਨੌ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਚੂਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਥ੍ਰੀ ਓਵਰ ਫਾਈਵ ਤਿੰਨ ਬਟੇ ਪੰਜ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਪੈੱਨ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਤਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈ ਲਿਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੂ ਓਵਰ ਥ੍ਰੀ। समझ आ गया राजे थोनू सारियां नू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ते। हाँ जी ये रकम है अपने कोले तो पहला मिक्सड फ्रैक्शन है इनू खोल लो दो दुनी चार चार दे विच एक जोड़ांगे पांच। चलो मैंने इहदी थां ते मल्टीप्लाई भी नाल दी नाल कर लिया पिछली टर्म दा मैं रेसीप्रोकल भी लै लिया। हाँ जी हूँ ये कुछ कट रहा है नहीं लग नहीं रहा है ना कुछ कट रहा चलो मल्टीप्लाई कर लें बन गया अपने को इमप्रॉपर फ्रैक्शन मिक्सड च बदल दो छे चौका होंगे चौबी बचता होंगे एक तो छे नाल ही आप डिवाइड किया देखो समझ आ गया ये सम। हूँ अपने को तीन सम रह गए इस तो बाद। हाँ जी फोर्थ सम ये अपने को स्टेटमेंट जो पिछली रकम मिक्सड हो पहला डिवाइड का ही साइन रख्या करो सैकेंड स्टैप पहला इनू खोल लिया करो पांच एकम पांच पांच दे विच एक जोड़े छे इस तो बाद इत्थे मल्टीप्लाई पिछली रकम का उल्टा तीन दे नाल छे कटदा दिख रहा है मैनू
ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਹੇਠਾਂ ਆ ਜੂਗਾ ਇਹਦੇ 7 × 2 = 14। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ 5th ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿਕਸਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ। 5 × 2 = 10, 10 × 1 = 11। ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਉਵੇਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਮਿਕਸਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 × 2 = 10, 10 × 1 = 11, 11/5 ਆਊਗਾ ਉਹ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ 11 ਨਾਲ, ਤਾਂ 11 ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ? 1 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 11 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 11, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚੂਗਾ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5/2। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪਰੋਪਰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। 2 = 1/2 ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਰੋਕ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਊਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮਿਕਸਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੀਏ। 5 × 3 = 15, 15 × 1 = 16। ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਹੀ ਸਾਈਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 5। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਕੀ ਕੁਛ ਕੱਟ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 16 × 3 = 48/5 / 5 = 25, 16 × 3 = 48, ਓਵਰ ਆ ਜੂਗਾ 5 × 5 = 25। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਦਲੋ ਜੀ ਮਿਕਸਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 25 × 1 = 25 ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਪਿੱਛੇ? 23/25। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4th ਸਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਟੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਟਸ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5th ਕੁਐਸਚਨ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ? 11 ਸਮਾਲ ਰੋਪਸ ਆਰ ਕੱਟ ਫਰੋਮ ਏ 7-hole 1/3 meter ਲੌਂਗ ਰੋਪ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1 meter ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ 11 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਤਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਟੋਟਾ, ਤੀਸਰਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ? 11। ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਮਾਲ ਰੋਪ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵੰਡਣਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਵਾਈਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਉ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੋਪ ਇਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 meter। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਰੱਸੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 11। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਸਮਾਲ ਪੀਸਿਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਮਾਲ ਪੀਸਿਸ 11 ਨੇ। ਇਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਮਾਲ ਈਚ ਸਮਾਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਈਚ ਸਮਾਲ ਪੀਸ ਹਰੇਕ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਦੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ? ਆਪਾਂ ਨੇ 7 ( 1/3 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ? 11 ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 7 × 3, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਕਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। 7 × 21 = 21 ਤੇ 1 ( 22/3, ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ 11 ਦੇ ਨਾਲ 22 ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਚ ਰਿਹਾ? 2/3,
जिहड़ा अपना क्वेश्चन सी वह मीटरां च सी, तां इहदे नाल वी आपां की लिखांगे मीटर। तां 11 टुकड़े जिहड़े बेटा कीते ने ਉਹ ਹਰੇਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇ? 2/3 ਮੀਟਰ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਜੂਗਾ। 2/3 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ? 11। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਬਣ ਗਈ? 22/3। ਮਿਕਸਡ ਨੰਬਰ 'ਚ ਬਦਲੋਂਗੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਵਾਓ, ਮਿਰੈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੈਥ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਕਮ ਉਲਟੀ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ कि 2/3 मीटर दे तुसी 11 टुकड़े कट्टे ने, दसो रस्सी पहला किन्नी लंबी सी? तो तुसी ऐदा सम कर लोगे। जे हुण उह ऐदा पुछ लवे भी इन्ने मीटर दे विच्चों इन्ने टुकड़े कट ले, हरेक टुकड़ा किन्ना लंबा, तो तुसी डिवाइड करके कर लोगे। दिस इज़ द मैजिक ऑफ मैथमैटिक्स। यही तो है मैथ का जादू। तुसी तो बहुत वड्डे जादूगर हो। देखो किन्ने सोहने सोहने सवाल कर लैंदे हो, है ना। चलिए अगले सवाल ते आपां हुण। हाँ जी, हुण हैगा अपने कोले 6th सम बेटे। इहदे विच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ने। फस्ट तां तुसीं आराम नाल कर ही लओगे। रेसीप्रोकल ऑफ 3/4 किन्ना होगा? 4/3। दूसरा सम है 5/7 लिखिया, फिर आपां मल्टीप्लाई दा साइन कर लैंदे आ, इहनूं उल्टा कर लैंदे आ, ठीक है। 5/7 सीगा, डिवाइड दी थां ते आपां गुणा कर लिया, पिछली रकम नूं आपां उल्टा लिया। कुछ कट रहा नहीं कट रहा, तो यदा आंसर आजूगा 25/49। तो कि ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। थर्ड नू देखो, मल्टीप्लाई की थान मल्टीप्लाई लिखता आपां, तो इनू रकम नू उल्टा लिया, 5 कट गया जी, 7 कट गया जी, आंसर किन्ना आ गया यदा? 1। तो तीनों क्वेश्चन औखे सी। उस तो बाद इस तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो बाद अपने को आता है ट्रू फॉल्स वाले 2 क्वेश्चन, वह भी आप हूँ कर लें। रेसीप्रोकल ऑफ ए प्रोपर फ्रैक्शन इज़ एन इमप्रोपर फ्रैक्शन। कहते जी उचित भिन्न होंगी है, जे वह आप उल्टा कर दें तो वह हमेशा ही अणउचित भिन्न आती है। इस तरह के सवाल दिमाग सोचने की बजाए कोई एक एग्जाम्पल अपने दिमाग से सोच लिया करो। कोई भी उचित भिन्न सोच लो। मैं 1/5 सोच ली, हूँ मैं यदा उल्टा लें, 5/1 आऊगा, यह अणउचित बन गई ना। जे 1 तो यकीन ना आवे कोई होर एग्जाम्पल लै लो, जिमें मैंने 2/7 लै ली, उचित सीगी, यदा मैं उल्टा किया 7/2, यह अणउचित आ गई, तो यदा मतलब जो कह रहा है वह ट्रू है। हाँ जी, लास्ट उस तो बाद देखो ये ट्रू आ गया फस्ट वाला। रेसीप्रोकल ऑफ होल नंबर। कहिंदे जे किसी पूर्ण संख्या का उल्टा लैने हो तो फिर भी वह होल नंबर ही रहा, फिर भी पूरन ही रहा। चैक कर लें एग्जाम्पल सोच के। मैंने एक पूरन संख्या 5 सोच ली, तो मैं यदा उल्टा किया 1/5, तो की यह एक पूरन संख्या है? तुसी कहोगे नो, होल नंबर नहीं है। कुछ होर सोच लो, मैं 11 सोच लिया, जो मैं 1/11 किया, पूरन तो यह भी नहीं आया, तो यदा मतलब सैकेंड वाला की है? फॉल्स। हाँ जी बेटे, मैनू लगता थानू मेरे चैनल लैट्स लर्न विद ईजी ट्रिक्स नाल पढ़ना बहुत वधिया लग रहा होगा, है ना। तो इस तरह बेटा मेरिया वीडियोज़ नू बहुत ध्यान नाल देखो, तो मैथ सीखो, तो अगे अपने फ्रेंड्स नू भी शेयर करो बेटा। ओके, बाय बाय।